हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आप देख सकते हैं कि करीब 7 बजे का क्लिप है और अभी देख चारों तरफ बादल ही बादल किए हुए हैं और पूरा अंधेरा जैसा दिखने लगे हैं। यहाँ सामने से नहीं दिखते हैं क्योंकि कैमरे में, और दूर से दूर वाले आप देख ही सकते हैं दूर में किस तरह से दिख रहे हैं। सामने भी इसी तरह से दिख रहे हैं लेकिन कैमरे में शायद इस तरह से नहीं दिख रहे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ आरोही के पास क्योंकि वो सो के उठ चुकी है और अभी टाइम हो चुका है 8 और आरोही आज सो के उठी 8 बजे। तो इसको मैं देखिए रात को सोती है तो इसका टोपी और जो सॉक्स रहते हैं ना ये गायब हो जाते हैं। इस जिस टाइम सोती है ना उस टाइम पहना के हम सुलाते हैं लेकिन जिस टाइम उठती है तो इसका वो सॉक्स और टोपी नहीं रहता है। तो फिर ये रात में ही इधर उधर कर देती है, फेंक देती है रजाई के अंदर। तो फिर इसको ना अभी खोज के और फिर अभी देखिए अभी पहना लेती हूँ तब जाके बाहर इसको निकालती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी गुड मॉर्निंग सनु, देखिए गुड मॉर्निंग भी विश नहीं कर रही है जोर से। गुड मॉर्निंग सनु, चलिए ब्रश कर लीजिए उसके बाद खाइएगा। फिर अभी आरोही ना ये ब्रश कर ली है, गर्म पानी दिए थे ब्रश कर लिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए बिस्किट और गर्म पानी से खा रही है। तो इसको गर्म पानी ही देते हैं क्योंकि अभी ठंड काफ़ी है। और यहाँ पर ना फिर हम झाड़ू लगा लेते हैं और सुबह में मैं सबसे पहले गर्म पानी कर ली थी और गर्म करने के बाद मैंने सब्जी कट करके और सब्जी भी बना ले रही हूँ उधर। और इधर फिर उधर सब्जी भी मेरा बनते जाता है, तब तक से मैं इधर झाड़ू भी लगा लेती हूँ क्योंकि मौसम ख़राब किया हुआ है। तो भी मैं जल्दी से फिर झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, कहीं पानी आ जाएगा तो फिर जितने भी गंदे वगैरह रहते हैं ना ये सब फिर तो जितने भी मेरे कचड़े हैं ना वो भींग जाएंगे। इसलिए मैं जल्दी से अभी यहाँ पे झाड़ू लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैंने ना अभी के रूम वगैरह नहीं लगाए क्योंकि बादल किया हुआ है, अभी हो सके रात में पानी भी आया था जैसे कि आप लोग आंगन अभी देख ही चुके हैं हल्का फुल्का भींगा हुआ है। तो अभी मैं जल्दी से इसको सारे कचड़े को हटा लेती हूँ झाड़ू लगा के। इधर देखिए अभी पानी की वजह से यहाँ पे चूल्हा बन के मेरा तो बन के सूख भी गया है। और अभी इसको मैं ढकती हूँ क्योंकि भींग जाएगा तो फिर कैसे चलाएंगे चूल्हा, तो फिर इसलिए ना यहाँ पे मैं अभी ढक दी हूँ। और इधर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। इधर देखिए आ रही इधर उधर बदमाशी करते रहती है और सारे एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ। और फिर ना अभी आटा मैंने गूंथ के रख लिया है, 1 घंटा हो गया मेरा गुथा हुआ रखा हुआ। और उसके बाद मेरा जैसे कि देखिए कि मैंने झाड़ू भी लगा लिया है और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे अभी चूल्हा में जला लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर चावल वावल बनाऊँगी। तो अभी देखिए सब्जी भी उधर बन रहा है मेरा और यहाँ पे अभी हम कुछ बनाएंगे रोटी। तो अभी मैंने लकड़ी जला लिया है और ये जो लकड़ी देख रहे हैं ना पतला पतला सा, तो ये जो मक्का का डंठल होते हैं ना वही वाला है डंठल, तो उसी से अभी हम लकड़ी जल्दी से जल जाता है मेरा। और जब हम पतला पतला लकड़ी जलाते हैं ना और मोटे देते हैं तो फिर मोटा भी पकड़ लेते हैं लकड़ी, इसलिए दोनों साथ में ही जल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पीछे ये छोटा सा बकरी जो कि बच्चा दिया था परसों, तो वो अभी देखिए अभी चलने लगा है खुद से और खुद से मम्मी के पास दूध पीने लगा है। और यहाँ पे ना इस तरह से करते हुए मेरा ना कंप्लीट हो जाता है, रोटी सारा हम बना लेते हैं। और बनाने के बाद फिर हम दोपहर के लिए यहाँ पे चावल चुनने लगते हैं, तो भी चुन के रखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी। और यहाँ पे देखिए फिर आरोही आ जाती है चुनने के लिए और ये चुनती है कम और ज़्यादा गिराती है, तो फिर हम वहाँ से उठ जाते हैं क्योंकि ये सब गिरा देगी। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कितनी तेज़ बारिश हो चुकी है और हल्की हल्की बारिश अभी हो ही रहे हैं। और ये कुछ देखिए इस तरह से अभी भी बादल किया हुआ है। आजकल तो ऐसे बारिश हो रहे हैं कि लगभग 15 दिन होते नहीं फिर बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है कि अब रोपाई धान रोपाई का सीज़न आ गया है। और इस तरह से बारिश अगर होते हैं ना गांव देहात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, गाय बैल बकरी जितने भी होते हैं ये सब का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से बारिश ना ही आए तो अच्छा रहेगा। और अभी बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है इस बारिश में बहुत ही। और मेरी आरोही बहुत ही ज़्यादा तंग करती है बाहर जाने के लिए, देख सकते हैं कि अभी कितने
अभी भी बारिश होती ही, अभी लगता है दिन भर इसी तरह बारिश आते ही रहेंगे। हेलो फ्रेंड, हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी लगभग 2 बजे का क्लिप है और जैसे कि आप लोग देखे हैं रात से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन 12 बजे बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है तो अभी उतना जोर ज़्यादा बारिश नहीं है। और ऐसे बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म पकौड़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आरोही भी बोल रही है चाय पकौड़ा खाना है, तो अभी हम लोग चलते हैं चाय पकौड़ा और ताज़ा ताज़ा ये प्याज के पत्ते का हम लोग अपना खेत से लाए हुए हैं। अभी नहीं, कल ही लाए थे, तो वही वाला है, उसी को अभी कट करके अभी हम लोग बनाएंगे। तो अभी ऐसे मौसम में, ठंडा ठंडा मौसम में अगर गर्म गर्मा मिल जाए पकोड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, ठंडा 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 मतलब ठंडा दूर हो जाएंगे। तो अभी चलिए मेरे साथ ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो अभी देख सकते हैं कि अभी हम आ चुके हैं किचन और गांव का ताज़ा प्याज का पत्ते का देखिए हम लोग का यहाँ पे अभी हम लोग लेके आए हुए थे कल ही, और उसी को अभी हम लोग कट कर रहे हैं। तो इस ठंडे और बारिश के मौसम में अगर चाय और पकौड़े हो जाए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो अभी देखिए, अभी छोटे छोटे टुकड़ा करके हमने आलू भी कट कर दे रहे हैं, इसमें मिक्स कर दे रहे हैं हमने बेसन, नमक, हल्दी, जितने भी मेरे मसाले थे उसको हमने सारे मिक्स कर दिए हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देखिए अभी हम दे रहे हैं, और इधर ना आरोही चिल्ला रही है हमको चाहिए जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बन के तैयार हो चुका है। और ये इस ठंडे और बारिश के मौसम में स्पेशल मेरे पकौड़े देखिए बन के रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं सबको दे दूंगी, और सबसे पहले मैं अपने आरोही को दे लेती हूँ क्योंकि वो वेट कर रही है बहुत देर से। तो यहाँ पे देखिए मैंने आरोही को भी दे दिया है खाने के लिए, तो वो भी बैठ के खाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी मेरा बन चुका है पकौड़ा गर्मा गर्म, और अभी मैंने चाय बिठाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरोही खा रही है कितने अच्छे से। प्यारी खा रही, कैसा लगा बेटा, मजा लगा। तो अभी यहाँ पे आरोही बैठ के खा रही है, और अभी मम्मी पापा आएंगे तो उन लोगों को भी गर्मा गर्म हम दे देंगे, और अभी हम भी खाएंगे चाय के साथ। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक ले, हाँ अभी खाइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और अच्छी वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।